जी हाँ चालू जोधपुर से बोल रहा हूँ। सुनो आज व्यास पूर्णिमा का सबको खूब खूब बधाई हो और व्यास पूर्णिमा ऐसे अवसर पर ऐसी मरम खुशी है छोड़े पता है। हाँ तो सब बच्चे सुनो सत्संगी गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि भवति पार्थी। सुना तुमने सुनाई पड़ा गुरु लाभा सर्व लाभो गुरु हीनस्तु बालिश। आज गुरु पूनम है आवाज आ रहा है जी आ रहा है। हाँ जी हरिओम गुरु पूनम का सबको खूब खूब सुनाई पड़ रहा है गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न पार्वती। जिसके जीवन में गुरु मंत्र है उसे सिद्धि मिली बाकी के लोग ऐसे ही बेचारे रगड़े जाते हैं। कबीर ने कहा गुरु बिन माला का सत कावे मनवा कस दिशो जाए कैसे हो कल्याण निगुरा नहीं रहना सुन ले चतुर सुजान। तो आज गुरु पूनम है और उसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। जिन्होंने वेदों के विभाग करके मानव जाति का बड़ा कल्याण किया उस महापुरुष की स्मृति में जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ इसे सदगुरुओं की पूजा का दिवस है। लल्लू पंजुओं के पूजा का दिवस नहीं है। हारमोनिया लेकर गुरु बन के बैठे हैं या दूसरे झूला छापों का पूजा का दिवस नहीं है। कन्या मन्या कुर तुम मेरा चेला मैं तेरा कुर ऐसे लोगों की पूजा का दिन नहीं है। जिनको सदगुरु सत तत्व का साक्षात्कार हुआ है ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं का ही पूजन का दिवस है। सतगुरु मेरा कवि जी बोलते सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। मैं शरीर हूँ और संसार सच्चा है और सुख सच्चा है दुख सच्चा है ये भरम हटा दे ज्ञान से और तू इन सब का साक्षी है तू आत्मा है और परमात्मा का सनातन है। पांच जीवन लोग के जीव भूत सनातन ऐसे गुरु श्री कृष्ण तत्व का ब्रह्मवेता ही कल्याण करते हैं बाकी के लोग तो पूजवाने के लिए जैसे झोला छाप वैद्य खतरनाक होते हैं ऐसे पूजवाने वाले गुरु तो खतरनाक होते हैं। गुरु जी ऐसे गुरु दक्षिणांधर पूजा तो कन्या मन्या कुर वाले गुरु अपनी जगह पर होते हैं लेकिन कबीर जी जैसे नानक जी जैसे व्यास जी जैसे लीलाशाह भगवान जैसे कभी कभी गुरु मिलते हैं। जैसे माँ काली ने रामकृष्ण को कहा एक पिता गुरु से दीक्षा ले माँ तुम्हारा दर्शन होता है बोले दर्शन होता है लेकिन भावना तीव्र से दर्शन होता है भावना बदलते अंतर्ध्यान हो जाती तो अंतर आत्मा को पहचानेंगे पितापुरी गुरु के उपदेश। तो ऐसे गुरुओं की पूजा का आदर का आदरणीय साक्षात और फिर सुख दुख अपना शिव जी कहते हैं सत्य हरि भजन जगत स्वभ स्वप्न। हरि भजन का फल क्या है किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम। आत्मा का रस आ जाए परमेश्वर का रस आ जाए आदमी को विकारी रस से बचने का अवसर मिल जाए इसका नाम है भजन। ऐसा नहीं कि भाई धंधा बना लिया पूजा को या इसको उसको वो नहीं है। ऐसे सदगुरुओं की पूजा है जो पूजवाने के लिए भटकते हैं उनकी पूजा का दिवस नहीं है। नारायण नारायण नारायण।